चाहे आपको सिगरेट नोशी की आदत हो, नाखून चबाने की, शॉपिंग की, या व्हाट्सएप पे लोगों की प्रोफाइल पिक देखने की, किसी भी आदत को खत्म किया जा सकता है अगर आप ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी नेगेटिव या बैड हैबिट को अवॉइड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मगर इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए आपका इरादा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ये इरादा कर लिया है कि अपने आप में बैड हैबिट को हटाना है। तो आइए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई भी बुरी आदत या बैड हैबिट आपकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है जब आप उसको बार बार रेगुलरली दोहराते हैं। तो किसी आदत को खत्म करने की बजाय उसको रिप्लेस करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उस आदत को रिप्लेस करके कोई और अच्छी आदत डालनी होगी। अगर आप सिर्फ यही इरादा रखते हैं कि आपने एक चीज को खत्म करना है और उसकी जगह पे वो लाइफ का जो गैप है वो फिल नहीं होगा, तो आप वापस उस आदत पर चले जाएंगे। बहुत से सिगरेट नोशी करने वाले हजरात इस बात से वाकिफ होंगे कि जब भी वो छोड़ने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो होता ये है कि वो वापस उस चीज पर लग जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसकी जगह पर आप जिम जाना शुरू कीजिए, या आप कोई ऐसी आदत अपना लीजिए जिस जो आपको उस चीज का सब्स्टिट्यूट दे। ये आप बेहतर जानते हैं कि आपकी आदत क्या है और आप उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो उसकी जगह पर कोई किताब पढ़ सकते हैं, मगर कोई ना कोई अल्टरनेटिव जरूर जरूर रखना होगा। तो ये था पहला स्टेप। दूसरी बात ये है कि ट्रिगर्स को कट ऑफ करना पड़ेगा। ये जो ट्रिगर्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं आपकी बुरी आदत को एक्साइट करने में, इग्नाइट करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठते हैं जहाँ पे कोई बुरी आदत है या सिगरेट नोशी की जाती है, तो आप ऑफ कोर्स उस कम्युनिटी से अवॉइड करेंगे। अगर आपको मॉल जाकर ये दौरा पड़ता है कि आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, तो आप कोशिश करें कि आप मॉल मत जाएं या कम जाएं, अगर या वॉलेट लेकर ना जाएं फॉर एग्जांपल। और अगर फॉर एग्जांपल आप नाखून चबाते हैं तो कोशिश कीजिए नाखून हमेशा काट कर रखें, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो जो आपकी बुरी आदत को ट्रिगर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्योंकि इसी चीज़ से आप बुरी आदत को ख़त्म कर सकते हैं, आप टीवी देखते हैं और आप घर आते साथ ही, काउच पर बैठते साथ ही सबसे पहला काम करते हैं कि आप टीवी से रिमोट से टीवी ऑन करते हैं, तो मेक श्योर कि आप रिमोट छुपा दें ताकि आपको पता हो कि मैंने ये काम नहीं करना। तो अगर आप मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो अक्सर लोग करते हैं, तो आप वो एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगर को ख़त्म करना होगा जिससे आपकी वो बुरी आदत ट्रिगर होती है। तो ये है दूसरी डर। वो लोग जो जिम जाते हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि अगर वो अकेले जिम जाना शुरू करें तो अक्सर उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि दो लोग जब जिम जाते हैं तो उनको एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता रहता है। इसी तरह कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए आपको किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट नोशी की ही मिसाल लेते हैं कि जब आप शुरू करने लगते हैं तो आपको कोई ना कोई ट्रिगर करता है, कोई ना कोई आपका साथ देता है, चलो एक लगा लो। तो अगर आप किसी चीज को क्विट करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा दोस्त, रिश्तेदार, सिबलिंग या स्पाउस होना चाहिए जो आपको उसको रोकने में भी आपकी मदद कर सके, आपको हौसला दे सके। या आपको कोई अच्छा दोस्त हो सकता है और आपको कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिसको आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं ये करने जाऊं तो तुम मुझे डिस्करेज करो या रोको। तो ये जब आप हाथ से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अगर दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना, तो आप बहुत ज्यादा असर लेते हैं अपने दोस्तों का और इससे आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। तो ये था तीसरा टिप। चौथी बात ये है कि अगर आप एक आदत को छोड़ना चाहते हैं जो आपकी नजर में बुरी है, तो आप उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें जिनकी नजर में वो आदत भी बुरी है। जब भी आप किसी ऐसे शख्स के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ हों जिनको वो आदत बुरी लगती है जो आप करते हैं, तो होगा ये कि या तो आप एम्बैरेसमेंट में करेंगे नहीं, या जब भी आप करने लगेंगे तो वो आपको टोक देंगे। चाहे आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, चाहे नाखून चबा रहे हैं, कोई भी बुरी आदत में, मतलब न्यूमरस बुरी आदतें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो उन लोगों के पास रहिए जिनको भी वो बुरी आदतें पसंद नहीं हैं। नेक्स्ट बात है विजुअलाइज योर सक्सेस। तो आपने विजुअलाइज करना है, अपने आपको देखना है कि आपने वो बुरी आदत छोड़ दी है। आपको लेट उठने की आदत है या रात को जागने की आदत है, तो आपने अपने आपको हमेशा ये विजुअलाइज करते हुए देखना है, सोचना है कि मैं जल्दी उठ रहा हूँ, जल्दी सो रहा हूँ, इससे या रही हूँ, इससे आप
को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपको हौसला मिलेगा कि आपने करना है। आप सिगरेट नोशी करते हैं तो ये विजुअलाइज करें कि आपने सिगरेट नोशी छोड़ दी है और उससे आपकी पैसे बच रहे हैं, उससे आपके हेल्थ का बहुत बेनिफिट हो रहा है। और वो क्या बेनिफिट हो रहे हैं आप ये चीजें इमेजिन करें। जब कोई भी बुरी आदत छोड़ने के शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग ना करने से क्या कोई नुकसान तो डेफिनेटली होगा नहीं, तो क्या बच रहा है? आपके पैसे बच रहे हैं, आपका टाइम बच रहा है। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं कि मुझे ये बुरी आदत छोड़ने के क्या क्या फायदे होंगे, इससे आपको बहुत हौसला मिलता है कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए। और कुछ लोग ये बात करते हैं कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस चुका हूं और मैं अब कभी नहीं बदल सकता। तो आपने बदलना नहीं है, आपने वापस वैसे होना है जैसे आप पहले थे। तो ये बात दिल से निकाल दीजिए कि अगर अब मैं इतने सालों से आदी हूं तो अब ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आपने कोई और इंसान नहीं बनना, आपने सिर्फ अपना पास्ट बनना है, अपना माजी बनना है, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप बचपन से ऐसे नहीं हैं। उम्मीद है कि किसी को पैदा होते ही कोई बुरी आदत ना लगी हो, मगर अक्सर लोगों डेफिनेटली जो वीडियो देख रहे हैं उनको पैदा होते साथ ही कोई बुरी आदत नहीं लगी होगी। तो इवन आपको वो आदत 10 साल पहले लगी है, मगर उससे पहले आप ऐसे नहीं थे। तो आपने सिर्फ वैसा बनना है, आपने कुछ और नहीं बनना। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप पहले ऐसे कर सकते थे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और लास्ट चीज ये है कि अपनी नेगेटिव टॉक को बट का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए बार बार। जब भी आपका नेगेटिव सेल्फ डिफेंस या नेगेटिव सिस्टम ये बोले कि मैं ये चेंज नहीं कर सकता, तो साथ ही आप बट या मगर लगाइए और बोलिए मगर मुझे चेंज करना ही होगा। जब भी आपके जहन में ये बात आए कि मैं तो अब मोटा हो गया हूं और मैं हर वक्त बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ, अब मैं अपने आप को स्लिम नहीं कर सकता, तो साथ ही आप अपना मगर लगाएं और बोले मगर मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे अपने जानने वालों को, अपने प्यार करने वालों को खुश करना है, मैंने मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो जब भी आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी आपसे कोई नेगेटिव बात करे, तो आप उसको वापस पलट कर मगर में जवाब दें कि मगर ऐसा नहीं है। तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिल सकता है कोई भी आदत छोड़ने के लिए। तो ये थे आज के वो 7 पॉइंट जिनसे आप कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स हैं, ये एक सर्वे से लिए गए हैं, ये एक रैंडम पॉइंट नहीं है। तो उम्मीद है अगर आपको आप इन सारे पॉइंट्स को अपनाएंगे तो आप कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर अमल करने के बाद कोई बुरी आदत छोड़ दें तो लाजमी वापस आइए और कमेंट कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके कि मैंने किसी को बुरी आदत छोड़ने में मदद की है। और इवन अगर दुनिया में सिर्फ एक शख्स की बुरी आदत छूट जाए इस वीडियो से, तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर कीजिए ताकि अगर कोई और बुरी आदत छोड़ना चाहता है तो उसको ये फायदा दे सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है उर्दू शो। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में।